किस्मत की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत में शुरू हुआ लोकसभा चुनाव का आगाज। पीलीभीत बहेड़ी विधानसभा से कई दिग्गज नेता उतर सकते हैं मैदान में। पीलीभीत बहेड़ी विधानसभा में कुर्मी वोटरों का है दबदबा। पीलीभीत बहेड़ी विधानसभा में कुर्मी वोटर बिगाड़ेंगे लोकसभा का खेल। मेनका और बड़ोगादी के संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में इस बार बदल सकते हैं समीकरण। पीलीभीत में इस बार कद्दावर नेताओं की एंट्री के बाद समीकरण बदलता है। जमीन से जुड़े नेता इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं। पीलीभीत में लाखों हैं उनके समर्थक। लोकसभा में दावेदारी करने वाले नेताओं ने कसी कमर। पीलीभीत से वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रत्नेश गंगवार चुनावी मैदान में ठोक रहे हैं ताल। बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेनका गांधी और प्रणव गांधी का गढ़ रहा है। चुनावी सफर में मेनका गांधी को एक बार डॉक्टर परशुराम गंगवार ने लोकसभा चुनाव में जरूर मात दी थी, लेकिन इसके बाद कभी मेनका गांधी और उनके पुत्र प्रणव गांधी को पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से हार का सामना नहीं करना पड़ा। आपको बता दें इस बार पीलीभीत से सांसद प्रणव गांधी सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाते रहे हैं, जिसको लेकर जनता कयास लगा रही है कि भाजपा से प्रणव गांधी का पत्ता साफ हो सकता है। तो ऐसे में भाजपा के टिकट के लिए कई गद्दापर नेताओं ने ताल ठोकना शुरू कर दी है। बरखेड़ा विधानसभा से पूर्व विधायक किशन लाल राजपूत हों या फिर पीलीभीत की बीसलपुर से वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर रत्नेश गंगवार सभी चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। डॉक्टर रत्नेश गंगवार की अगर बात की जाए तो उनकी पत्नी प्रियंका गंगवार जिला पंचायत सदस्य हैं। इनकी माता ब्लॉक प्रमुख रही हैं। इनका लंबा राजनीतिक इतिहास भी है। इस राजनीतिक इतिहास की अगर बात की जाए तो कभी भी किसी भी चुनाव में डॉक्टर रत्नेश गंगवार को शिकस्त हासिल नहीं हुई। हालांकि इस बार डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इससे पहले उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में वॉल पेंटिंग कराई तो राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें पीलीभीत और बहेड़ी में कुर्मी वोटर बाहुल है। इसको देखते हुए कुर्मी वोटर गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा आगामी चुनाव में डॉक्टर रत्नेश गंगवार की एंट्री किस तरह से असर डालती है। हालांकि यूपी अपडेट से बात करते हुए डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने बताया है कि उन पर लंबे समय से विश्वास जनता करती चली आ रही है। वे जनता से जुड़े हैं। वे दिल्ली मुंबई या फिर दुबई से पीलीभीत नहीं आते हैं। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं।